अजमेर में भीषण गर्मी के बीच अलग अलग वार्डों में रोजाना पानी की समस्या सामने आ रही है। शुक्रवार को वार्ड 37 के शिव रेजिडेंट्स कॉलोनी क्षेत्रवासियों ने पानी की समस्या को लेकर अधिकारियों और पार्षद सहित जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। क्षेत्रवासियों ने उनकी समस्याओं को जल्द दूर करने की मांग रखी है। शिव रेजिडेंस कॉलोनी में रहने वाले सुधीर कुमार ने बताया कि उनकी कॉलोनी में पिछले 6 सालों से पानी की समस्या बनी हुई है। कई बार जल संसाधन अधिकारियों के साथ पार्षद और जनप्रतिनिधियों को भी अवगत करवाया गया, लेकिन बावजूद इसके उनकी समस्या का कोई निस्तारण नहीं हुआ है। क्षेत्रवासी सुधीर ने बताया कि जिले में जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों रुपए का कार्य किया जा रहा है, लेकिन उनकी समस्या का निस्तारण नहीं हुआ। क्षेत्रवासियों ने बताया कि वर्तमान में अजमेर में भीषण गर्मी पड़ रही है, भीषण गर्मी में भी पानी नहीं मिल पा रहा। पानी के लिए क्षेत्र की महिलाएं दूर दूर तक जाती है और पानी भरकर घर पहुंचती हैं। क्षेत्रवासियों ने कहा कि जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को धरातल पर उतरने की जरूरत है, जिससे कि उन्हें पता चले कि पानी की समस्या से लोग कितना परेशान हो रहे हैं। क्षेत्रवासियों ने शुक्रवार को प्रदर्शन कर जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से भीषण गर्मी के बीच उनकी पानी की समस्या को दूर करने की मांग रखी है। क्षेत्रवासियों ने कहा कि अगर इसके बाद भी उनकी समस्या दूर नहीं हुई तो वह आंदोलन पर उतरेंगे। किस तरीके से समस्या है पानी को लेकर आपने? यहाँ हम पिछले 6 साल से रह रहे हैं, यहाँ पे 15-20 परिवार हैं। बहुत प्रयास कर लिए, AEN PHED JEN PHED वो खुद यहाँ आके सर्वे करके जा चुके हैं, मगर MLA पार्षद सबसे संपर्क करने के बावजूद भी यहाँ पे पानी की समस्या बरकरार है, निराकरण किया नहीं जा रहा है। और घर की महिलाएं दूर दूर से जाके पानी लेके आती हैं, जिससे बहुत परेशानी होती है। अब आप जानो इतनी गर्मी के अंदर कितनी परेशानी होती है दूर से पानी लेके आने में। और आज के ज़माने में पूरे शहर में जल जीवन मिशन चल रहा है, सब जगह जल जीवन मिशन चल रहा है, मगर एक हमारे क्षेत्र को जल जीवन मिशन से कुछ नहीं फ़ायदा हो रहा है। करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं जल जीवन मिशन के नाम पे, मगर इस क्षेत्र को बिल्कुल अछूता कर रखा है, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आप जीएन से मिले थे, जलदाय विभाग गए थे, तो वहाँ से क्या आपको रिस्पांस मिला था? उनने ये रिस्पांस दिया कि हम आएंगे और सर्वे करेंगे। वो आए, एरिया को देख के गए, मगर उसके बाद भी उनने कोई कार्यवाही नहीं की। और उस बात को भी करीब 2.5-3 साल हो चुके हैं। कौन सी मैम से मिले? AEN मैम थी निशा मीना, एक JEN थे वहाँ पे, वो खुद यहाँ आके सर्वे करके जा चुके हैं। उसके बाद भी इस क्षेत्र में पानी की समस्या जैसे कि तैसे बनी हुई है। कौन सी जगह? ये एरिया पद्मिनी रिसोर्ट के आगे है, हटुंडी रोड पे, माखूपुरा क्षेत्र में लगता है। वार्ड नंबर 37 का हिस्सा है। पार्षद है अपने, यहाँ के पार्षद हैं सोहन सिंह रावत जी। आपका परिचय? सुधीर कुमार विजयवर्गीय, मैं रेलवे में हूँ।